हमारा डे टू डे लाइफ थोड़ा बहुत बोरिंग ही होता है, सबका ही होता है। बहुत ज़्यादा हेर फेर करने का स्कोप भी नहीं होता है रूटीन्ड लाइफ, सिवाय एक चीज़ के, वो है खाना। हम खाने को नए नए तरीके से बना ही सकते हैं। वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सुतापा। आज मैं बनाऊंगी एकदम नए तरीके से आलू कैप्सिकम की सब्जी। मैंने एक मीडियम साइज के कैप्सिकम ले लिया है और एक बड़ा साइज की प्याज को ऐसे ही चार टुकड़ों में काट लिया है। फिर मोटे मोटे लहसुन ले लिया है चार और दो टमाटर। अब हम एक एक करके सारे सब्जियों को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले कैप्सिकम को रोस्ट कर लेंगे अच्छे से चारों तरफ से, इस तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। फिर टमाटर को भी रोस्ट कर लेना है अच्छे से। अब प्याज की बारी। प्याज अच्छा सा नरम भी हो जाएगा, बहुत अच्छा खुशबू भी आने लगेगा। और फिर हमें लहसुन को भी रोस्ट कर लेना है और इन सब को ठंडा करके इसका जो जला हुआ स्किन है इसको हम हटा देंगे और इसको क्यूब्स में काट के रख लेंगे। और लहसुन को अच्छे से हम क्रश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम एक टेबलस्पून ऑयल और एक टेबलस्पून घी ले लिया है। आप चाहे तो पूरा ऑयल या पूरा घी में भी बना सकते हैं। फिर एक टीस्पून जीरा ले लिया है और एक साबुत लाल मिर्च और आधा टीस्पून हींग। पर हींग आप उतना ही लेंगे जितना आपका हींग स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा सौते करने के बाद हमने आलू को ऐड कर देना है। मैंने बहुत बड़े साइज के दो आलू को ऐसे ही क्यूब्स में काट लिया है और आलू को एकदम हाई हीट में हमें 2-3 मिनट तक भून लेना है ताकि बाहर का जो इसका क्रस्ट है थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। आलू में थोड़ा सा कलर आ जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो क्रश किया हुआ गार्लिक है उसको, और उन दोनों को भी अच्छे से 1 मिनट तक हम भून लेंगे। अब ऐड कर देंगे प्याज को और प्याज के साथ भी आलू और लहसुन को और 1 मिनट तक मीडियम हीट में हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें रोस्टेड कैप्सिकम और टमाटर को ऐड कर देंगे और सबको मिला के 1-2 मिनट तक एक बार और चला लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और स्वाद अनुसार ही लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले के साथ सब्जियों को हम और 1-2 मिनट तक एकदम लो हीट में पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और अब इसको ढक के लो हीट में पकाएंगे। इस पानी से जो वेपर होगा उसी में से ही हमारा आलू अच्छे से पक जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि आपका जो आलू है वो इतने कम पानी से नहीं पकेगा तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। इतने में हम आटा लगा लेते हैं हमारा लच्छा परांठे के लिए। हमने आटा ले लिया है 250 ग्राम के करीब और उसमें 1 चुटकी नमक डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के बिल्कुल जैसे रोटी की आटा हम बना लेते हैं एवरी डे वैसे ही सॉफ्ट एक डो बना लेंगे और उसको एक गीले कपड़े से ढक के 15 मिनट हम छोड़ देंगे। अब हम एक बोल में 3-4 टेबलस्पून येलो बटर ले लेंगे और उसमें 1 टीस्पून गार्लिक डालेंगे क्रश करके। फिर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो मिला के डालेंगे और हरा धनिया डाल देंगे और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इस रिफाइंड ऑयल से हमारा जो ये बटर का मिक्स है ये बहुत ही अच्छा सा एक पतला बनेगा जो हमें रोटी के ऊपर स्प्रेड करने में बहुत ईजी होगा। अब लच्छा परांठे के लिए एक मोटा सा रोटी बेल लेना है, फिर उसके ऊपर जेनरसली हमें ये बटर का जो मिक्स हमने बनाए इसको हमें स्प्रेड कर देना है और ऊपर से सूखा आटा हमें स्प्रिंकल कर देना है। फिर लच्छा परांठे के लिए इस परांठे को हमें एकदम फैन की तरह फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से भी हमें थोड़ा सा और बटर लगा देंगे और सूखा आटा हम स्प्रिंकल कर देंगे।
अब इसको हम ऐसे करके रोल करेंगे, पर थोड़ा सा टाइटली पकड़ के हमें रोल करना है। और इसका जो पूंछ है ये एकदम अच्छे से दबा देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम चकले में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और उसके ऊपर ये रख के थोड़ा सा हाथ से ही हम ऐसे ही फैला देंगे और फिर हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। अब इसको एकदम गर्म तावे पे हमें ट्रांसफर कर लेना है और हीट को मीडियम रख के हमें दोनों साइड से बहुत अच्छे से ब्राउन हो जाए तब तक हमें ये सेक लेना है। और ये परांठा सेकते टाइम आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ना प्रेस करते जाना है, नहीं तो क्या होगा, परांठे का ऊपर तो अच्छा खासा कलर आ जाएगा पर अंदर अंदर लच्छे में ना कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रेस करते हुए इसको दोनों साइड से बढ़िया तरीके से सेक लेना है। और इतने में हमारा सब्जी भी एकदम बन के रेडी हो गया है। उतने से ही पानी में हमारा आलू तो बहुत बढ़िया तरीके से गल गया है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और एक टीस्पून घी डाल देंगे और इसको ढक के सर्व करने से पहले 5 मिनट रख देंगे। अब क्या, अब खाएंगे हम बैठ के इसको। आप भी बनाइए और देखते रहिए मेरे वीडियो, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।